नमस्कार, डायनामिक वन नया भारत चैनल में आपका स्वागत है। मैं रोहित कुमार आज आपको एक नई रेसिपी बताऊंगा इंडियन फूड में, जिसमें आपका एक नया डोसा बना है जिसमें चावल, आटा और रवे को मिलाकर इसका पेस्ट बनाना पड़ता है। पहले इसको अच्छे से पीस लीजिए, इसके बाद में फिर पेस्ट बनाने के बाद में, पेस्ट देख सकते हैं आप, ये पेस्ट है इसका, काफ़ी अच्छे से इसको समान मात्रा में मिला लीजिए। उसके बाद में फिर मिक्सर ग्राइंडर में लेकर इसको पीसिए और फिर कुछ ही समय में, लगभग 10 मिनट में आप इसे डोसा तवा जो होता है उस पर रखिए और लीजिए। फिर कुछ ही समय में ये बनकर तैयार है और रेडी टू ईट। काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सेक लीजिए ताकि वो आपको ऐसा ना लगे कि कहीं टेस्ट अच्छे लाने के लिए आपको अच्छे से उसे सेकना पड़ेगा। डोसा तवे का उपयोग करिए, नॉनस्टिक की तवे यूज़ कर सकते हैं आप। और काफ़ी अच्छे तरीके से ये डोसा बनकर तैयार है और आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। डायनामिक वन न्यू इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।